नमस्कार। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो अली रेजा फिरोजा, जो कि यंगस्टर्स में मुझे लगता है सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर है आज की तारीख में, और गैरी कास्परोव, जो कि हमारी चेस वर्ल्ड के मुझे लगता है बेताज बादशाह थे एक टाइम पे। 20 साल तक उन्होंने एकछत्र राज किया था चेस वर्ल्ड पे। और खासकर अगर हम रिस्पेक्ट की बात भी करें तो जितने भी बाकी भी बड़े प्लेयर हैं आज आज वो सभी उनको बहुत मानते हैं। तो इन दोनों के बीच एक गेम हुआ जो कि पिछले वर्ल्ड चैंपियन है और करंट जो यंगेस्ट टॉप मोस्ट प्लेयर है यंगस्टर्स में से। इन दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ चेस 960 पे। नॉर्मल चेस नहीं है ये, इसमें थोड़े से रूल्स अलग होते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए चेस 960 पे जिनमें बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर हम साइट की कोई बात करें जहाँ पे पूरा डिटेल्स अवेलेबल है तो chess.net जो है chess960.net, उस पर आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन में आप देख सकते हो कि जो किंग का पोजीशन है वो तो वैसा ही है। जनरली ऐसा होता नहीं है, आप किंग का पोजीशन भी चेंज कर सकते हो चेस 960 में। टोटल 960 पोजीशंस होते हैं। मैं इनिशियल कुछ वीडियोस में ये रिपीट करता हूँ बार बार, जैसे जब तक लोगों को जो जिन्होंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया है 960, उनके लिए पता चले कि टोटल 960 पोजीशंस होते हैं, इसीलिए उसको चेस 960 बोलते हैं। कुछ लोग फिशर रैंडम भी बोलते हैं या चेस 9LX भी बोलते हैं। जो जो ये गेम हुआ था उसमें अली रेजा फिरोजा वाइट थे और कस्पारोव ब्लैक थे, और एक बहुत ही शानदार गेम हुआ था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा गेम देखोगे। ये तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं। स्टार्टिंग पोजिशन आप देख लीजिए, हर पोजिशन का एक अलग जो है उनका एक नंबर होता है पोजिशन का, जो कि आप चार्ट में कोशिश करूंगा कि इसमें डाल दूं ताकि आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो व्हाइट ने G3 से स्टार्ट किया। जनरली मैंने जितने भी गेम नोटिस किए उनमें बिशप का जो डायगोनल है, अगर वहां से कोई नेचुरल मूव मिलती है तो बहुत अच्छा हो सकता है। कैसलिंग के लिए कुछ अलग से रूल है जिसमें आप देख सकते हो कि अगर इस साइड हमको कैसल करना है तो हमको इन क्वीन और बिशप को हटा के कैसलिंग किंग G1 जाएगा, जो कि नेचुरली जाता है यहाँ पे हमेशा नॉर्मल चेस में, और रूक F1 पे, राइट। और इस साइड में अगर हमको कैसलिंग करनी है तो सिर्फ किंग C1 जाना पड़ेगा हमको, रूक D1 ऑलरेडी है। तो ये बहुत माइन्यूट सा एक चेंज है। बिशप हमेशा दोनों अलग अलग कलर में रहेंगे, ये भी एक नॉर्मल बात है इसमें। बाकी रूल्स जो है वो ज्यादातर चेस के ही चलते हैं। तो G3 खेला, D5, D4, G6। अब देखिए पहले दो मूव सेम ही खेला है दोनों ने, तो ऑब्वियसली अगर आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पता है, वही उसका मेन एम है कि आपको ओपनिंग जो आपने घर में प्रिपेयर किया है वो नहीं आपको खेलनी है, आपको बोर्ड पे ही पूरा एनर्जी देना है। सो Nc3 खेला यहाँ पे, C6, Nb3, F5। फाइनली जब जब मैं एक्चुअली गेम देख रहा था, हम लोग क्योंकि ये जो गेम है वो कस्परो के कारण देख रहे हैं ज्यादातर, इसमें मैं फ्लिप कर देता हूँ बोर्ड ताकि आपको इजीली समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था इसमें, राइट। यहाँ पे F3 खेला व्हाइट ने। एक्चुअली इसमें जो ब्लैक ने पहले खेला था F5, उसका मेन आइडिया ये था कि E4 रुक जाए, क्योंकि मुझे लगा शायद जहाँ पे उन्होंने Nb3 खेला था वहाँ पर वो E4 के लिए भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन गेम में उन्होंने Nf3 खेला, Nb3 सॉरी, F5, F3, Nc7। अब ये जो नाइट है इसको बहुत अच्छे से आप रिग्रुप कर सकते हो इसमें, और हो सकता है कि जब क्वीन हटा के हम कैसल करें तो ये नाइट E8 आके F6 भी आ सकता है, जिसमें एक नेचुरल पोजीशन आ जाएंगे। मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि जब भी कैसल हो जाता है तो आपको एक फील आने लगता है कि हाँ अब एटलीस्ट थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन, राइट। क्वीन F2 खेला यहाँ पे, Ne6, ये थोड़ा सा इजी नहीं था बोर्ड पे खेलना, बिकॉज जनरली जब आपका पॉन E7 पे है तो आपकी कोशिश होती है कि E5 उसको खेलें और फिर उसके बाद करें, लेकिन यहाँ पर Ne6 से उनका मेन ड्राइव F4 भी हो सकता है कभी। Bd2 खेला यहाँ पे, Nd7 कैसल। अभी आप देखिए कि उन्होंने कैसल कैसे किया, यहाँ पर Rd1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जनरली Re1 पे होता है, राइट। तो जब हम कैसल करते हैं तो Re1 पे ही आता है जो कि ऑलरेडी है, तो सिर्फ उन्होंने किंग जो है वो C1 ले लिया और वो बहुत इजीली कैसल हो गई, राइट। वैसे ही अगर इनको कैसल करना है तो क्वीन हटा के आप कैसल कर सकते हो और रुक जो है वो F8 पे आ जाएगा। यहाँ पे Nb6 खेला, Kg2b1 सेफ्टी मूव खेल दिया उन्होंने पहले ही, Qf6। अब इस पूरे डायगोनल में आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिलहाल जब तक D4 है मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास प्रॉब्लम होने वाला है, राइट।
सो उन्होंने यहाँ पे बिशप सी वन खेला वाइट ने, नाइट टू सी फोर एंड देन रुक ई वन। अब यहाँ पे उनका मेन आइडिया ई फोर ही है, क्योंकि एक बार अगर व्हाइट का ई फोर आ गया तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छा पोजीशन हो जाएगा उनको, क्योंकि उसके बाद किंग जो है वो अभी भी सेंटर में पड़ा हुआ है, उन्होंने कैसल की नहीं है, और अगर आप बिशप डी सेवन करके लॉन्ग कैसल करते भी हो इस साइड में तो भी व्हाइट के दो नाइट इधर पड़े हुए हैं, तो आराम से उधर अटैक कर सकते हैं। बिशप जो है वो इस डायगनल में ही पड़ा हुआ है, तो कोशिश ब्लैक की रहेंगी शायद कि वो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग को छोड़ के शॉर्ट कैसल के लिए जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट कैसल कर दिया उन्होंने, और फाइनली आप देख सकते हो कि अब जो पोजीशन है वो थोड़ी सी नेचुरल लग रही है, खासकर पीसेस को लेके। पॉन स्ट्रक्चर अभी भी उतना अच्छा नहीं है ब्लैक का, दोनों ही साइड के लिए उतना सॉलिड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्वीन जी वन खेला, क्योंकि कुछ कंडीशंस में जब भी आप ई फोर खेलोगे तो एफ इन टू ई फोर के बाद एफ टू पे थ्रेट था, सो एफ फोर आया यहाँ पे। अब उन्होंने देख लिया कि ई फोर को इमिडिएटली तो हम या डायरेक्टली तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो एफ फोर खेला यहाँ पे ब्लैक ने, पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन, ई थ्री। कोशिश यही थी उनकी कि ई फोर खेलेंगे, लेकिन अब अगर आप ई फोर खेल दोगे तो ई फोर का एफ फोर का नाइट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सो इसीलिए उसको हटाना जरूरी है। नाइट एच थ्री खेला, क्वीन पे अटैक है, क्वीन जी थ्री। फाइनली ब्लैक ने जो यहाँ डिसाइड किया कि क्वीन एक्सचेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज उनका किंग जो है वो इतना ज्यादा सेफ नहीं लग रहा है, राइट? तो अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाता है तो वो उनके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन उसमें एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आ गया कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पे रुक एफ वन खेला, क्वीन टेक्स क्वीन, पॉन टेक्स क्वीन, रुक एफ वन का जो आइडिया था वो नाइट एफ टू रोकने के लिए था, बिकॉज बाद में फिर ये जो नाइट है वो एच वन मार देता और ये नाइट इतना अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे ई फाइव खेला, पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स पॉन एंड एफ फोर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक हिसाब से तो फोर्स्ड भी था, दूसरी बात व्हाइट इज अलाउइंग बिशप इनटू सी थ्री, दैट मीन्स कि अगर आप इसको मारोगे तो उसके बाद किंग सेट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, नाइट सी फोर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, नाइट एच थ्री आपका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है जिसमें आप उसको जल्दी वापस नहीं ला सकते हो, तो हो सकता है वो बी जी टू रुक एच वन या ऐसा कुछ खेल के अटैक करें उस पर और प्रॉब्लम आ जाए उसको। सो ब्लैक ने यहाँ पे खेला आफ्टर एफ फोर, ब्लैक ने एक्चुअली यहाँ पे बी जी सेवन खेल दिया, उन्होंने मारा नहीं बिकॉज उनको लगा ये बिशप बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइट तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, राइट सी थ्री पे। तो रुक ई वन खेला यहाँ पे वाइट ने, ई फोर में भी उनका कोशिश है खेलने का जी फाइव। अब ब्लैक की जो कोशिश है वो ये है कि जी फाइव खेल के जी फोर खेलते हैं ताकि एटलीस्ट ये जो नाइट है वो हमेशा डिफेंड रहे पॉन से, और अगर आपका पीस नहीं मर रहा है तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो बाद में गेम में। तो बिशप जी टू खेला यहाँ पे, बिशप एफ फाइव, ऑफकोर्स फिलहाल तो एच थ्री का थ्रेट है, सपोर्ट है उसको बिशप का एच थ्री पे। तो नाइट डी फोर खेला, और अब मुझे लगता है कि उनको ये बिशप देना ही पड़ेगा जी सेवन का, बिकॉज अब आप ज्यादातर इस बिशप को और वापस नहीं ले सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा मूव्स वेस्ट हो जाएंगे। तो बिशप इनटू डी फोर मारा यहाँ पे, पॉन टेक्स बिशप एंड देन जी फोर। अब लॉन्ग टर्म पे एक प्रॉब्लम ये है कि एच थ्री गेम में आ नहीं रहा है, सभी स्क्वायर ये दोनों बंद है, ये दोनों पॉन से बंद है, इधर रुक से बंद है, तो इसको तो आप ला नहीं सकते, बट फिलहाल गेम में है वो, राइट? अभी तक वो मरा नहीं है, तो इसीलिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं मान सकते, लेकिन डेफिनेटली ये जो पोजिशन है वो वाइट को स्लाइटली बेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी थ्री खेला, सी फोर और एफ फोर पे अगर नॉर्मली नाइट हम मानते हैं कि ब्लैक अगर बैठा देता है अच्छे से, जिसको आप इजीली नहीं हटा सकते हो, तो वो एक दिक्कत वाली बात होती है। नाइट डी सिक्स खेला यहाँ पे, बिशप टू ए थ्री, रुक एफ सेवन। अब इस बिशप को एक्सचेंज करना टेक्निकली भी अच्छा रहेगा शायद वाइट के लिए, बिकॉज दिक्कत यह है कि आपके सब पॉन डार्क कलर में है, तो अब अगर आप उसी कलर का बिशप अंदर रख के रखोगे तो वो पैसे हो जाएगा और लॉन्ग टर्म पे उसके इश्यूज होंगे, जबकि ब्लैक का जो नाइट है वो हमेशा ई फोर या एफ फाइव आ सकता है आफ्टर बिशप ई फोर, तो इसलिए उन्होंने ये खेला रुक ई फाइव। ऑब्वियसली आप नाइट ई फोर जैसे मूव नहीं खेल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज उसमें पॉन मर रही है आपकी, तो उन्होंने एच फाइव खेला, इसको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया, और बाद में शायद किंग जी सेवन किंग जी सिक्स हो आ सकते हैं। यहाँ पे किंग बी टू खेला, किंग जी सिक्स टेक्स, और फाइनली उन्होंने बिशप इन टू मार दिया, बिकॉज अब जो आइडिया था उनका वो ये था कि रुक इन टू डी सिक्स मार के एंड देन नाइट डी वन। अब किंग उन्होंने इसलिए हटाया था कि इस डायगोनल में था वो, मतलब कोई थ्रेट आ सकता था फ्यूचर में इनडायरेक्ट, और नाइट डी वन का आइडिया ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा कि नाइट ई थ्री आके इस पर अटैक कर रहा है, राइट? सो व्हाइट जो है अभी भी मुझे लगता है व्हाइट बहुत सही जा रहे हैं, अलीरेजा फिरोजा,
मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस में बोला है, लेकिन हमेशा बता दूं कि मैं जब 2-3 साल पहले दुबई ओपन खेलने गया था, अभी तो सब कुछ बंद है फिलहाल, तब मैं एक्चुअली उनके साथ खेला भी हूँ, अलीरेजा फिरोजा के साथ, जब वो 2500 समथिंग में थे, और तब भी वो मुझे लगता है जो अंडर 16 या अंडर 15 प्लेयर्स थे उनमें वर्ल्ड में टॉप 2 में या टॉप 3 में थे। तो डेफिनेटली बहुत, और बोर्ड पे मैं बहुत मेहनत करते हैं, मतलब मैं तो खेला हूँ उनके साथ तो मुझे पता है कि उनका कितना कोशिश रहता है बोर्ड पे। तो डेफिनेटली हाईर लेवल पे खेलने के लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, ऑन द बोर्ड और ऑफ द बोर्ड भी, राइट। सो Rook e6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, Knight to e3, Rook into e5। अब यहाँ पे एक्चुअली मैं इनिशियली सोच रहा था कि Pawn f into भी मार सकते हैं, जिसमें ये पॉन जो है वो फास्ट पॉन बन जाएंगी, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जैसे ही अगर आप इसमें एक्सचेंज करते हो तो हम ये आ सकते हैं Bishop e6 takes maybe King in 2, और इसमें आप ये एंडिंग के लिए नहीं जा सकते हो, बिकॉज ये पॉन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आपका किंग बहुत दूर है। अगर कहीं से ये King f4 पे होता तो मे बी एक बार आप ट्राई कर सकते हो ये, उसके बाद आप Knight f1 जाके h2 रोक सकते हो, बट डेफिनेटली ये पॉन अच्छा नहीं रहता वहां पे पास पॉन क्रिएट करने देना। तो इसलिए यहाँ पे D into e5 मारा, और उनको लगा शायद ये पॉन चेन बहुत अच्छी लग रही है। King g6 बिशप को सपोर्ट दे दिया ताकि रुक जो है वो रिलीज हो जाए। C4, यही उनका मेन आइडिया था जब उन्होंने King b2 खेला था और Knight d1 Knight e3 आए थे, ताकि अगर आप इसको मारते हो तो डेफिनेटली Knight takes मार के Knight d6 आ रहा है, और वो अच्छी पोजीशन हो जाती है क्योंकि उसमें B7 F7 F5 सब पे थ्रेट है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया शायद कि C4 जो है वो बहुत मिस्टेक वाला मूव है, क्योंकि इसमें आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग दिस मूव D4, जिसमें कि ये जो पॉन है वो बहुत डेंजरस बन सकता है, बिकॉज अभी आप उसको डिफेंड भी कर रहे हो मतलब बिशप से। सो यहाँ पे Knight into f5 मारा, King into f5, एंड देन फाइनली Rook e1। अभी मुझे लगता है ये बहुत इजी सा आइडिया है कि ये आ रहा है। यहाँ पर जब मैं एनालिसिस कर रहा था इसके पहले, जब मैंने खुद गेम देखा था, तो मुझे लग रहा था शायद Knight f2 बहुत इजीली आ रहा है यहाँ पे, जिसमें आप e4 रोक रहे हो एंड देन यू हैव Knight d3 चेक ऑल्सो। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वेरिएशन दिखा देता हूँ आपको कि Knight f2 खेला सपोज, तो हम e6 आ सकते हैं, जिसमें अगर आप Knight e3 चेक देते हो तो King b1 नॉट King c2, क्योंकि मार के चेक आएगा, तो इसको मारा तो Pawn takes मार सकते हैं, और फिर ये पॉन क्वीन नहीं बन रही है, क्वीन रुक नहीं रही है वो, Knight into g2 एंड f8 क्वीन। तो इसलिए ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन हाँ Knight f2 में वो किंग आ सकते हैं, जिसमें अगर आप चेक देते भी हो तो King d2 आ जाएंगे, और ये अब बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि उनका किंग पॉन को रोक रहा है, f2 का नाइट कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल, और जैसे ही आप इसको थ्रेट दोगे तो डेफिनेटली Bishop e4 आ ही रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप रोक सकते थे लेकिन वो परमानेंट नहीं था। तो यहाँ पे Rook e1 को कस्परो ने एक बहुत ही बढ़िया मूव खेला, और मुझे लगता है ये Rook e1 जो मूव है वो एक क्रुशियल मिस्टेक था, मतलब इसके पहले उन्होंने C4 एक मिस्टेक किया था तो उनका एडवांटेज चला गया जो उनका एडवांटेज था, लेकिन उसके बाद जो मिस्टेक किया उन्होंने Rook e1, इसके बाद कस्परो के पास डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस आ गया। और यहाँ तक आते आते आप देख सकते हो कि अलीरजा फिरोजा के पास सिर्फ 23 सेकेंड से, ऑफकोर्स इंक्रीमेंट था उसमें, लेकिन 2.3 मिनट से कस्परो के पास, तो उनके पास टाइम भी था, और जो पोजीशन गई हुई थी वो पहले इक्वल हुई, फिर नेक्स्ट मिस्टेक के बाद वो उनको और मिल गई। तो यहाँ पर आपको रुक के चेक करना चाहिए कि क्या खेलना चाहिए ब्लैक को यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करें तो ये जो एक्चुअली जो गेम हुआ था, ये देखा जाए तो पास्ट में जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे और जो फ्यूचर में हो सकते हैं सबसे बेस्ट प्लेयर, उन दोनों के बीच था, राइट। तो ऐसे गेम्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसी से ही जो जब एक्सपीरियंस जो है वो यंगस्टर्स को मिलता है पुराने प्लेयर्स से, तब वो खुद जाके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बन जाते हैं और बहुत स्ट्रांग भी बनते हैं और इम्प्रूव वर्जन हो जाते हैं मुझे लगता है पुराने प्लेयर के। इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं जिस हिसाब से फिरोजा इतने यंग एज में बहुत बढ़िया चेस खेलते हैं और इवन मैग्नस कार्लसन तक को परेशान कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है उनके लिए। हालांकि अगर हम गेम की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे क्या खेलना चाहिए। यहाँ पर H4 खेला कस्परो ने, और एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन था यहाँ पे कि आफ्टर Bishop e4 चेक, King to e6 f5 चेक, King e5। अब यहाँ पे एक्चुअली एक दिक्कत थी जिसके कारण मुझे लगता है शायद अली रजा ने Rook e1 खेला था,
सिंपली बिशप डी फाइव आके आपको एक्सचेंज मिल रहा है बिकॉज देयर इज अ चेक, और ये प्रोटेक्टेड भी है फिलहाल, आप उसको मार नहीं सकते। तो बी डी फाइव खेला, किंग एफ सिक्स, बिशप इंटू एफ सेवन, किंग इंटू एफ सेवन एंड देन रूक ई टू। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी था कि बिशप इंटू एफ सेवन, किंग इंटू एफ सेवन के बाद आप पॉन इंटू पॉन नहीं मार सकते बिकॉज ये नाइट बहुत सही जगह पड़ा हुआ है। मतलब पूरे गेम में जिस बंदे ने एक काम नहीं किया, नाइट एच थ्री पे बैठ के पूरा देर ब्लैक को परेशान कर दिया था कि कब वापस आएगा, अब फाइनली वही पीस हमको जीतने के लिए हेल्प कर रहा है। तो आप सिंपली जी थ्री जी टू जा सकते हो और जी वन क्वीन बन रहा है, और ये दोनों पॉन तो रुक जाएंगे, साथ ही साथ आप सी फाइव पुश कर सकते हो जिसमें ये पॉन परमानेंट पास पॉन है, तो किंग कहीं जा नहीं सकता इसको छोड़ के, तो क्लियरली विनिंग आ जाएंगी वो पोजिशन, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने जो है रुकी टू खेला था एक्चुअली, ये भी एक एक हिसाब से मिस्टेक ही था। हालांकि अगर हम देखें जी कट एच फोर जी थ्री को, तो इसमें जो है मतलब इस पोजीशन में उनके पास अभी भी किंग सी टू का ऑप्शन था, बिकॉज जी टू को अगर हम देखें थोड़ा इसमें, तो उसके बाद अब सी फाइव आ सकते हो यहाँ पे वाइट से, और ये पोजीशन एक आ सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बच जाएंगी, लेकिन रुकी टू से तो बेहतर था। रुकी टू खेला उन्होंने यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, रुक जी टू, किंग एफ सिक्स, रुक टेक्स पॉन, किंग टेक्स पॉन, सी फाइव। सी फाइव का आइडिया ये है कि वो इस इनको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस पॉन को इन सबसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे किंग एफ फोर खेला, रुक टू डी थ्री, पॉन पुश, रुक डी फोर चेक, किंग डी थ्री। अब यहाँ पे हर एक मूव गेन करना बहुत जरूरी है, सॉरी एरोज। सो रुक पे अटैक है, और अगर आप जैसे ही रुक यहाँ पे जी फोर खेलोगे सपोज, तो मैं किंग एफ थ्री आ सकता हूँ और फिर से रुक पे अटैक है, और नेक्स्ट मूव जी वन जो है जी टू जी वन जो है वो बहुत इजीली आ सकते हैं। सो ये विनिंग ही था। तो यहाँ पे रुक एच फोर खेला बिकॉज आप इसमें पॉन पुश अगर करते हैं तो रुक इनटू चेक आ रही है, ऑब्वियसली आप किंग एफ टू नहीं जा सकते हो क्योंकि रुक एच टू आ रहा है, और ये पोजीशन शायद आपको खेलनी पड़ेगी जिसमें शायद जीत तो नहीं रहे क्लियर कट, राइट। सो लेकिन यहाँ पे एक तरीका था, अगर आप एंड गेम के बुक्स देखोगे तो जैसे 100 एंड गेम्स यू मस्ट नो या डोरेट्स की, उनमें ऐसे पोजीशन दिए रहते हैं जिसमें आप इजीली किंग एफ फोर जैसे मूव्स खेल सकते हो, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब वो कहीं भी रुक जी थ्री या रुक एच वन नहीं रोक सकते हैं। रुक एच फोर सपोज तो हम अपोजिट साइड में जा सकते हैं जिसमें सिंपली किंग टू एफ फाइव, रुक एच सिक्स और किंग जी सेवन आ सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये था सपोज अगर मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि अगर आप इधर खेलोगे किंग जी थ्री तो वो रुक एच सेवन कहीं आ सकते हैं, बिकॉज जैसे आप क्वीन बनाओगे तो चेक आ रही, तो इनको रोकने के लिए ऑब्वियसली वो सब चेक करना जरूरी था। हालांकि जब किंग जी थ्री खेला था, रुक एच फोर खेला, तो ब्लैक ने सबसे ईजिएस्ट मूव खेला नाइट एफ टू, क्योंकि इसमें ये रुक गया है और जी टू आके वो फिर से आराम से जीत सकते हैं। तो रुक एच सेवन खेला पॉन पुश। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप फिलहाल तो इसको रोक सकते हो एक मूव के लिए, लेकिन आफ्टर किंग एफ थ्री सपोज आप किंग सी टू आते हो तो नाइट ब्लॉक कर देंगे इसको और नेक्स्ट मूव क्वीन बन रहा है, तो ये कंप्लीटली विनिंग है। और अगर हम देखें कि अगर आप यहाँ पे चेक दोगे तो आई कैन प्ले किंग ई टू, और मे बी आप किंग जी थ्री भी आ सकते हो बिकॉज चेक में फिर से मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। मैं एक्चुअली किंग ई टू, किंग एफ वन, नाइट एफ टू, जी वन ये भी जा सकता था, बहुत कुछ विनिंग था इसमें। तो जैसे ही उन्होंने जी टू खेला, यहाँ पर आकर अली रजा ने फिरोजा ने रिजाइन कर दिया था, और कस्परोव का जो पहला गेम था फर्स्ट डे का वो उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद स्विडलर के साथ वो हारे और मैग्नस कार्लसन से ड्रॉ किया उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है इतने लंबे गैप के बाद, अरे तकरीबन 16 साल के बाद वो मैग्नस कार्लसन के साथ खेले थे, और करंट वर्ल्ड चैंपियन है, पूरे वर्ल्ड में सबको डोमिनेट करते हैं, हर फॉर्मेट में सबको हराते हैं मैग्नस कार्लसन, बुलेट हो, ब्लिट्स हो, चेस 960 हो, रैपिड हो, क्लासिकल हो, कोई भी, और ऑनलाइन हो, ऑन द बोर्ड हो, लेकिन कस्परो इतना साल आने के बाद भी तो बोलते हैं कि जो क्लास है वो उनका हमेशा से ही था, और जो उनका स्टाइल है चेस खेलने का वो बहुत ही बढ़िया है, और बीच बीच में जब भी आते रहते हैं तो चेस वर्ल्ड थोड़ा एक्साइटेड रहता है हमेशा, सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग पोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इवन कार्लसन ने तक भी पोस्ट किया था, मैंने इसके पहले एक इसी टूर्नामेंट का एक और वीडियो कास्परोव और कार्लसन का जो गेम हुआ था उस पर भी अपलोड किया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और आपको जानकारी चाहिए 960 के बारे में तो आप मैसेज कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के जो गेम्स हैं
उनको डेफिनेटली उनसे जो नॉर्मल गेम्स हैं क्लासिकल 960 के नहीं, उनको भी हम देखें अगर कभी भी होते हैं तो आगे, और कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा चेस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें ताकि हमको सच में कुछ सीखने मिले, राइट। सो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।